हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत जनानी भी दुखी हुई थी कोई तलाक दे बैठे था, बहुत अच्छी बात करी है। घर बैठा कर दी पहली तलाक दे देते, ये अपना दुखी तो नहीं हुआ। हम बहुत खुश है जो कानून ये सरकार ने कानून लागू किया है। पहले तो लोग ये कहते थे कि तलाक दे देंगे हम आपको तो तलाक हो जाता था, लेकिन अब ये जो सरकार ने काम किया है बहुत अच्छा किया है। पहले कह देते थे 3 बार तलाक हो जाता था, लेकिन अब बहुत अच्छा किया है कि हम तलाक से अब खुश नहीं है। कानून ने ऐसा बनाया गया है कि आज तक औरतों को मुस्लिम खासकर मुस्लिम औरतों को घर में फर्नीचर की तरह समझा जाता था। बहुत खुश है, बढ़िया करा जी मोदी ने जो भी करा, नहीं तो बहुत तेरी शादी कर रहे थे सब, नई नई शादी करे थे यूज कर का छोड़ देते। अब मेरे साथ देख रहे हो खबर तहल का, भी मैं मौजूद हूँ सफीदों में और जींद जिले का ये बड़ी विधानसभा है और आज एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने लिया है, ट्रिपल तलाक उसको जो है लास्ट जो है मूवमेंट दे दिया गया है। ये ऐतिहासिक फैसला है या नहीं है ये जानने के लिए, हालांकि बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए इसे एक ऐतिहासिक फैसला मान चुके हैं और विधेयक भी पास कर चुके हैं, ये पहले जो है लोकसभा में पास हो गया था लेकिन अब अंतिम जो है रूप इसको दे दिया गया, राज्यसभा में इस बिल को जो है पास कर दिया, विधेयक को पास कर दिया। इस विधेयक को लेकर आज हमारी टीम ये जांचने की कोशिश कर रही है इस बिल को लेकर क्या है सच्चाई। आज हम उन मुस्लिम महिलाओं से मिलेंगे जो इस बिल का उन पर क्या असर है, क्या सच्चाई है बिल में और क्या व्याख्या में इस बिल की ज़रूरत थी, तो जानने की कोशिश करेंगे और आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए करते हैं बात। मोदी सरकार द्वारा एक विधेयक पास कर दिया 3 तलाक पर, क्या वो फैसला सही है? सही है जी। पहले क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत होती थी जी, महिलाओं के लिए तो ज़्यादा दिक्कत थी जी। बात करी जाए सरकार अभी विधानसभा चुनाव है तो क्या लगता है एक बार फिर मोदी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए जी, मोदी सरकार है जी आनी चाहिए। 3 तलाक के ऊपर एक कानून बना दिया, सख्त कानून, ऐतिहासिक कानून बना दिया मोदी सरकार ने, क्या कहोगे कैसा है फैसला? अच्छी बात है, बढ़िया भाई, ठीक है जी। स्वागत करते हो आप फैसले? हाँ जी स्वागत। अच्छा अब महिलाओं को पहले की तरह ये नहीं है कि पहले कह देते थे तलाक तलाक, अब महिलाओं को क्या शक्ति मिलेगी इस फैसले? बहुत फायदा होगा भाई, अच्छी बात है। क्या फायदा होगा? घर बैठा कर दी पहली तलाक दे देते, ये अपना दुखी तो नहीं हुआ। क्या कानून का कोई डर रहेगा लोगों को? दूसरी शादी कर लेते डरे था, इब काबू तो हो जाएंगे बात ही है। शबनम जी, जो अभी राज्यसभा में ये कानून पास हुआ है उससे आप कितने प्रभावित हो, कितने खुश हो? हम बहुत खुश है जो कानून ये सरकार ने कानून लागू किया है। पहले तो लोग ये कहते थे कि तलाक दे देंगे हम आपको तो तलाक हो जाता था, लेकिन अब ये जो सरकार ने काम किया है बहुत अच्छा किया है, हम इसे बहुत खुश है। जो ये राज्यसभा में ये कानून पास हुआ है 3 तलाक 3 तलाक वाला, ये कैसा है कानून, किस तरह से खुश हो आप? हम इस कानून से बहुत अच्छी तरह खुश है, ये मोदी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पहले कह देते थे 3 बार तलाक हो जाता था, लेकिन अब बहुत अच्छा किया है कि हम तलाक से अब खुश नहीं है, ताकि तलाक जो दे देते अब महिला भी तंग रहती है, नू है अब बहुत अच्छा किया है कि अब तलाक देना नहीं चाहिए। पहले महिलाओं को ऐसे तलाक दिया जाता था तलाक तलाक कहकर, अब क्या महिला शक्ति सुरक्षित है? बहुत अब सुरक्षित है, अब तलाक कति ठीक कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया कि अब तलाक नहीं होगा किसी को। किया है सरकार ने, उससे आप महिला शक्ति को क्या प्रावधान मिला, क्या शक्ति मिली है? हम बहुत इस कानून से बहुत ज़्यादा खुश है कि सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा और हमारी तरक्की के लिए कानून ने ऐसा बनाया गया है कि आज तक औरतों को मुस्लिम खासकर मुस्लिम औरतों को घर में फर्नीचर की तरह समझा जाता था, लेकिन सरकार ने हमारे लिए सोचा, इसके लिए हम सरकार का बहुत शुक्र अदा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश है जी। जो ये कानून पास किया है सरकार ने,
इससे महिला शक्ति कितनी मजबूत बनी है? बहुत ज्यादा मजबूत हुई है सर, इससे महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज्यादा शक्ति मिली है कि वो अब तीन तलाक से अपना छुटकारा मिल गया। जी, जो ये मोदी ने ये कानून पास किया है, एक्ट पास किया है, कानून पास किया है तलाक 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 को लेकर, इसमें महिला शक्ति को मजबूती मिली है, इसमें महिला आप कितनी खुश हैं? खुश हैं जी, हम तो मोदी सरकार से हाँ खुश हैं, हाँ पास कर खुद हम तो खुश हैं कति बस जी। जो मोदी सरकार ने अभी ये एक्ट पास किया है राज्यसभा में, इससे आप कितने प्रभावित हो, कितने खुश? बहुत खुश है जी, हम बहुत खुश है, बढ़िया करे जी मोदी ने जो भी करे, नहीं तो बहुत तेरी शादी कर रहे थे सब, नई नई शादी करे थे, यूज कर करके छोड़ दे थे, और बच्चे भी बहुत ज्यादा हुए थे, कोई फिर अलग अलग जनसंख्या वृद्धि हाँ ज्यादा होती थी। अरे बढ़िया जी, बढ़िया परिवेश होगी, बच्चा की बढ़िया होगा, मतलब जी बढ़िया वो कर दिया सरकार ने, जो मोदी ने, मोदी सरकार ने ये कानून पास करके बहुत अच्छा किया, अच्छा कर दिया जी जी। इससे आप कितने खुश हो? बहुत खुश है जी, हम आगे भी मोदी सरकार देखने जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता में ये बिल पास हो गया कि अब ऐसे तलाक नहीं दिया जा सकता, ये जो तीन तलाक पे बिल आया, क्या सही फैसला, कैसा है? सही है फैसला, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? ऐसे सही है कि अच्छा, आदमी अपनी मर्जी चला रहा था, औरत की तो नहीं चला थी। क्या क्या दिक्कतें आती थी पहले? दिक्कतें आती थी, फिर बाद में बच्चे छोड़ने पड़े, घर तो जाना पड़े है, उसका तो होगा तलाक, और फिर अगर अपनाना चाहे तो फिर दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करके फिर वो दूसरा तलाक देगा, फिर वो शादी करेगा, ये अच्छी बात है। तो ये जो बिल मोदी सरकार लाई है तो क्या सही फैसला है? ठीक फैसला है, बढ़िया फैसला है। तीन तलाक पे सरकार द्वारा एक सख्त कानून, ऐतिहासिक जो बिल लेके आया गया, वो क्या आप मानते हो, सही है गलत है? सही है जी, बहुत अच्छी बात है, मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करया है, बहुत जनानी भी दुखी हुई थी कोई तलाक दे बैठा था, बहुत अच्छी बात करी है। क्या महिलाओं को फायदा होगा इसका? हाँ बहुत फायदा होगा जी, जो अपने घर बैठी थी, एक एक तलाक दे के ना दूसरी तीसरी शादी कर लेते थे, मोमडन भाई आप चल अपने हरियाणा में तो नहीं करते, ज़्यादा दुखी तो उसकी थी यूपी सरकार की, उत्तर प्रदेश की, वह जनानी इतनी बैठी है कि मर्द चार चार जनानी ले बैठा है, उनको तो फायदा होया बहुत ज़्यादा। बारुद्दीन है, बारुद्दीन जी, एक तीन तलाक के ऊपर एक कड़ा सख्त कानून देश की सरकार लेके आई है, विधेयक पास हो चुका है, कानून बन चुका है, इस कानून का क्या आप खुश हो, क्या है? अच्छी बात है, बहुत खुश हम तो भाई, इसमें अपना बहुत अच्छा करें। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।